नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। पुल गिरने की घटना को लेकर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरा। आज का विषय गत संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है, राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा, छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75 से 2005 तक। और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन, जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। यह पुल नहीं केवल है, वहां जाने पशुओं की पीड़ा, उनको क्या मालूम, ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके मां बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धे अटल जी से विनती का अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफ लाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए, लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है।